इंडियन प्रीमियर लीग का ऐसा कोई सीजन नहीं है जो बिना किसी कंट्रोवर्सी के पूरा हो जाए। इस बार का सीजन काफी अच्छे डिसीजन के साथ, काफी अच्छे कारवा के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन प्लेऑफ स्टेज से कुछ ही मैच पहले मंगलवार को 56वें मैच में जबरदस्त बवाल देखने को मिला। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए इस मैच में अंपायर के डिसीजन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन और स्टार बैट्समैन संजू सैमसन के कैच को लेकर एक बखेड़ा खड़ा हो गया है। राजस्थान रॉयल्स की इनिंग के दौरान कैप्टन संजू सैमसन को कंट्रोवर्शियल आउट करार कर दिया गया। इसके बाद बीच मैदान में जमकर बवाल देखने को मिला। यहां पर पारी 16वें ओवर में संजू सैमसन एक जबरदस्त शॉट लगाते हैं। इस शॉट को लॉन्ग ऑन पर खड़े शाई होप ने कैच किया। ये बहुत ही करीबी कैच था जहां शाई होप के पैर बाउंड्री रोप से लगता हुआ नजर आया, लेकिन अंपायर ने इसे आउट करार दिया। इसके बाद संजू सैमसन ग्राउंड में अंपायर से भी उलझ गए। संजू सैमसन को पहली बार इस तरह से अंपायर से डिस्कस करते हुए देखा गया। इस विकेट पर मैदान में पारा काफी गर्म दिखा। एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स के ऑनर तक आउट का इशारा करते दिखे, तो वहीं रॉयल्स के ऑनर निराश दिखे। जमकर बवाल करते हुए देखा गया। आखिरकार थर्ड अंपायर ने संजू को कैच आउट करार दिया और वो पवेलियन लौट गया। संजू पूरी तरह से शेड थे और 86 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे। राजस्थान रॉयल्स को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा और संजू के विवादित तरीके से आउट दिए गए। संजू के विकेट से मचे बवाल के बाद सोशल मीडिया पर भी फैंस पूरी तरीके से संजू को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसे बहुत ही क्लोज देखने को मिल रहा है कि शाई होप का पैर रोप हल्का सा टच हो गया था, लेकिन अंपायर ने इसे नहीं माना। संजू के विकेट को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।